हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरेखा निटिंग। फ्रेंड्स, आज मैं ये पैटर्न लेकर आई हूँ। सिंगल कलर का ये पैटर्न है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इजी है बनाने में। जितना इजी है उतना ही सुंदर है। किसी भी स्वेटर में बनाएंगे कितना प्यारा लगेगा, कार्डिगन में, जेंट स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, जिसमें भी चाहें। देखिए, ये राइट साइड है और ये रोंग साइड है। ये पैटर्न जो है चार सिलाई पर कम्प्लीट हो जाता है। ये जो एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, यही बार बार इसमें रिपीट हो रही है, तो ये चार सिलाई पर बनती है और छह फंदों पर ये पैटर्न हमारा सेट होता है। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें फंदे चाहिए, छह के मल्टीपल में दो फंदे ऐड करने हैं। यू नीड टू कास्ट ऑन मल्टीपल्स ऑफ 6+2 स्टिचेस। तो इसमें आप बॉर्डर बनाइएगा। यहाँ पर मैंने बॉर्डर नहीं बनाया है, चार सिलाई बनाई है ऐसी ही, तो आप अपनी समझ का बॉर्डर बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये 20 स्टिचेज लिए हैं सिलाई में। ये 6 के मल्टीपल में 18+2, तो ये 20 हुए। और ये राइट साइड है, राइट साइड से ये पैटर्न शुरू होता है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। ये स्टिच है, मैंने स्लिप कर लिया। धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे। यहाँ से शुरू होता है ये पैटर्न। स्टिच के बाद दो फंदे उल्टे बुन लिए, धागा पीछे करेंगे, यार्न इन बैक। एक फंदे में से तीन बनाएंगे, एक इस तरह से धागा घुमाया, दो बन गए। फिर से इसमें से एक फंदा निकालेंगे, तीन। फिर से एक फंदे में से तीन बनाएंगे ऐसे ही, एक, ये दो और ये तीन। तो देखिए, दो फंदे मैंने उल्टे बुने और दो फंदों पर ये मैंने तीन तीन फंदे बनाए, तो चार हो गए। अगेन धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, पल टू। तो इस तरह से ये छह फंदे हो गए, पल टू। दो पर फिर हमने तीन तीन फंदे बनाए, फिर दो फंदे उल्टे बुने, तो ये छह फंदे हो गए। यही इसमें रिपीट पैटर्न है। फिर से पल टू, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, यान इन बैक, मेक थ्री इन वन। एक में हमें तीन बनाने हैं। फिर से एक में तीन बनाने हैं इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर से दो फंदे उल्टे बुनेंगे। ये चार फंदे बीच में उल्टे आ जाते हैं, यार्न इन बैक। दो फंदों पर तीन फंदे बनाएंगे, ये तीन फंदे बना लिए। फिर से इस फंदे पर तीन फंदे बनाएंगे, लास्ट में दो फंदे हैं, दो उल्टे बुनेंगे ये और स्टिच सीधा बुनेंगे। ये स्टिच मैंने सीधा बना लिया। ये हमारी पहली सिलाई थी। अब आ जाते हैं रोंग साइड पर, ये है दूसरी सिलाई। स्टिच स्लिप कर लिया, जो फंदे उल्टे बुने हैं वो सीधे आएंगे। दो फंदे उल्टे बुने थे, ये दो फंदे सीधे आएंगे, सीधे बुन लिए। धागा आगे करेंगे, जो हमने तीन तीन फंदे बनाए हैं वो स्लिप करेंगे। ये तीन फंदे स्लिप कर लिए और फिर से तीन फंदे स्लिप कर लिए, धागा पीछे करेंगे। अब बीच में चार फंदे हमने उधर उल्टे बुने थे, ये सीधे आएंगे, एक, दो, तीन और ये चार। धागा आगे करेंगे, फिर से ये फंदे स्लिप करेंगे। ये तीन 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 का ग्रुप है, ये स्लिप कर लिए, धागा पीछे करेंगे, फिर चार फंदे सीधे, नीट फोर, टू, थ्री, फोर। धागा आगे करेंगे, ये तीन तीन फंदे स्लिप करेंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे करके स्टिच उल्टा बुनेंगे। दो सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। ये है तीसरी सिलाई राइट साइड पर। स्टिच स्लिप कर लिया, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे। अब देखिए, एक फंदा ये है और तीन फंदों का ग्रुप ये है, ये आपस में ट्विस्ट होने हैं। ये जो तीन फंदे हैं ये आगे होंगे और ये फंदा पीछे चला जाएगा बैक साइड से, ऐसे जैसे हम केबल बनाते हैं।
इन्हें सिलाई पर लेंगे और फ्रंट लूप से तीनों का एक बना देंगे सीधा। ये भी सीधा बनाएंगे। अभी इन तीन फंदों के साथ ये वाला फंदा ट्विस्ट होगा, ये ट्विस्ट होंगे, ये पीछे चले जाएंगे, वो आगे आ जाएगा बैक साइड से, इसे सीधा बुनेंगे। ये बैक लूप से तीनों फंदों का एक बना देंगे इस तरह से, ये देखिए। अब धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये फंदा इन तीन फंदों के साथ ट्विस्ट होगा, ये पीछे चला जाएगा और ये तीन फंदे जो है बैक फ्रंट लूप से एक साथ बुनेंगे, इन तीनों का एक बना देंगे। ये फंदा भी सीधा बना देंगे, इन तीन फंदों के साथ ये फंदा ट्विस्ट होगा, आगे आ जाएगा बैक साइड से और ये फंदे पीछे चले जाएंगे, ये सीधा बनाएंगे, ये तीनों बैक लूप से एक साथ बुनेंगे, यार्न इन फ्रंट, पर्ल टू, यार्न इन बैक, ये फंदे ट्विस्ट होंगे फिर से इस तरह से और ये तीनों को एक साथ बुन देंगे, ये सीधा बुनेंगे। अब इन्हें ट्विस्ट करेंगे, ये सीधा बुनेंगे, ये बैक लूप से एक साथ बुनेंगे, तीनों का एक साथ बुनकर एक बना लेंगे, यार्न इन फ्रंट, लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे और स्टिच है जो ये सीधा बुनेंगे। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ये है चौथी सिलाई, ये स्टिच है, स्लिप कर लिया, जो हमने फंदे उधर से उल्टे बुने हैं वो सीधे बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुना था ये सीधा बुन लिया। धागा आगे करेंगे, अब ये चार फंदे हैं बीच में, ये चार फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4, दो फंदे बीच में उल्टे बुने थे उधर, ये सीधे बुनेंगे, ये सीधे अपने आप ही चमक रहे हैं, 1 2, यार्न इन फ्रंट, पर्ल 4, चार उल्टे, 3 और ये 4, यार्न इन बैक, नीट 2, यार्न इन फ्रंट, पर्ल 4, 1 2 3 4, यार्न इन बैक, नीट 1, यार्न इन फ्रंट, पर्ल स्टिच। ये हो गई हमारी चार सिलाई कंप्लीट और ये हो गया हमारा पैटर्न भी कंप्लीट। मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ जब हम अगला पैटर्न बनाएंगे तो कैसे शुरू करेंगे, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है तो मैं आपको बताती हूँ। स्टिच स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक ये और एक ये। अब ये जो दो बीच वाले फंदे हैं इन पर पैटर्न बनेगा, एक के तीन बनाएंगे, 1 2 3, फिर से 1 के 3 बनाएंगे, 1 2 3, धागा आगे करेंगे। अब देखिए ये फंदा और ये दो फंदे और ये फंदा, ये चार फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3 4, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर इन दो फंदों पर पैटर्न बनेगा, 1 के 3 बनाएंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4, धागा पीछे, इन दो फंदों पर 3 फंदे बनाएंगे, 3 3 फंदे बनाएंगे, अगेन 3, इस तरह से धागा आगे करेंगे, फिर से ये दो फंदे उल्टे बुनेंगे और स्टिच सीधा बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे ये चार सिलाई कंप्लीट हो गई और अगली भी मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है अगला पैटर्न किस तरह से शुरू करेंगे। तो जब आप ये चार सिलाई बनाते जाएंगे तो आपका पैटर्न इस तरह से बनकर आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये अच्छा भी लगा होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा है।
और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।